हेलो गाइस एंड वेलकम टू द न्यू स्ट्रीम। तो आज हम खेलने वाले हैं फार्मिंग सिमुलेटर 2019। एंड ये गेम खेलने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि ये गेम मैंने पहले बार यूट्यूब पे देखा था और इसका ग्राफिक्स मेरे को बहुत ही ज़्यादा तगड़ा लगा था। बट एज आई एम बिलोंग फ्रॉम द एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, तो मैं काफ़ी नॉस्टैल्जिक फीलिंग फील कर रहा हूँ ये खेलने के लिए। तो मैं पर ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करता, जल्दी से जल्दी हम शुरू करते हैं इस गेम को। तो जैसे ही ये गेम मैंने डाउनलोड किया, तो मैंने फर्स्ट थिंग मैंने इसको खेलना चालू किया, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था। और एज सुन एज मैंने खेलना ही सीधा चालू किया और मैंने देखा कि कंट्रोल्स क्या है, कैसा सीन है। सो बेसिकली इसमें तीन मोड मिलते हैं। फर्स्ट मोड रहता है वो बेसिक फार्मर का रहता है, जिसमें आपको 1 लाख यूरो एज अ लोन दिए जाते हैं, और उस विथ 1 लाख यूरोस आपको मिलता है थोड़ा फार्मिंग इक्विपमेंट भी, और उससे उस बेसिक इक्विपमेंट से आपको आगे जाके थोड़ा इक्विपमेंट खरीदना पड़ता है। और सेकेंड मोड मिलता है जहाँ पे आप कॉन्ट्रैक्टर बनते हो, जहाँ पे आपको 12 लाख यूरोस का लोन दिया जाता है। और बेसिकली जो ये सिटी है, इसमें से जितने भी एग्रीकल्चर के कॉन्ट्रैक्ट है, लाइक हार्वेस्टिंग करना, प्लॉइंग करना, कल्टीवेशन करना, इसके कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए एक कॉन्ट्रैक्टर मोड है। और थर्ड मोड जो कि पूरा बेसिक है, वहाँ से आपको सिर्फ लैंड मिलती है और आपको पूरा रेंट आउट वगैरह करके ये करना पड़ता है। तो हम लोग शुरू करेंगे फार्मिंग मोड से, मैंने थोड़ा खेला है, तो लेट्स गेट इनटू इट। तो ये देखो, हम आ गए हमारे फार्म पे। तो फर्स्ट मैं आपको एक फार्म का टूर लेता हूँ। और फार्म तो फर्स्ट थिंग है, इधर अपने पास ये मेरा घर है बेसिक, इसमें सब सोने पीने का पूरा इंतज़ाम है। फिर यहाँ पे हमारा शेड है, जिसमें मेरे पास अभी 2 ट्रैक्टर है, 2 बड़े वाले, 1 छोटा वाला। छोटा वाला भी मैंने सर्विसिंग के लिए दिया है। ये मैंने ये बेसिक पैक में नहीं आती, ये इसको मैंने ख़रीदा है अभी, क्योंकि छोटे मोटे कामों के लिए ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। देन ये अपना बड़ा वाला एक हार्वेस्टर है, जो कि मल्टी फंक्शनल है। इसमें से इस ये बहुत सारे टाइप के क्रॉप को हार्वेस्ट कर सकता है। ये कल्टीवेटर है, इसको मैंने अभी अभी रेंट पे लिया है, इसको भी हम लोग को अभी मेरा तो पूरा कल्टीवेशन हो गया है, तो इसको मेरे को रिटर्न कराना है। और ये है साइलो। बेसिकली साइलो ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो कि जिसमें क्रॉप मतलब ग्रेन्स को स्टोर किया जाता है लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए। ये बहुत ही बड़ा स्ट्रक्चर है, इसको स्टोरेज स्ट्रक्चर भी कहते हैं। देन इस साइड पे ये वाला एक बड़ा फार्म है, जिसमें मैंने कैनवा आई डोंट नो कौन सा क्रॉप लगाया, इधर मैंने लगाया है कनोला, आई थिंक इधर वीट लगाया है। और यहाँ पे है, यहाँ पे भी कनोला है। इसको इसका वीडिंग भी करना पड़ेगा, इसमें वीट ज़्यादा हो गया है, तो मेरे को वीडर भी खरीदना पड़ेगा। तो सिंपली हम लोग का पहला काम है, हम लोग को एक वीडर खरीदना पड़ेगा अपने ट्रैक्टर के लिए, अपने फार्म के लिए। साइलोज में से थोड़ा ग्रेन से वो भी बेचने का है आज, और इसको रिटर्न करने का। तो चलिए पहले इसको रिटर्न करके आते हैं। इसको रिटर्न करने के लिए मैं ये वाला ट्रैक्टर लेता हूँ। ओके, मेरे ख्याल से इसका इसको जहाँ पे कनेक्ट करते हैं, इसको 3 पॉइंट लिंकेज कहते हैं, और ये वाला लिंकेज इसका पीछे, तो मेरे को इसको पीछे अलाइन करना पड़ेगा। तो चलिए अलाइन करते हैं इसको। पूरा ट्रैक्टर को मैंने अलाइन कर दिया अभी। अब हम इसको सीधा लेके जाएंगे डीलरशिप के पास, तब पे हम इसको रिटर्न करेंगे और एक वीडर खरीद के लाएंगे। कैमरा एंगल चेंज कर देता हूँ, क्योंकि बाहर बहुत ही ज़्यादा नॉइस है, और ये नॉइस
इसका जो अंदर का केबिन है वो थोड़ा सा साउंड प्रूफ है, वो पूरा ऑफ रोडिंग के मजे लिए जा रहे हैं यहाँ पे। जो पिकअप ट्रक है लिया इसीलिए, ये जो ट्रैक्टर है ये ज़्यादा से ज़्यादा 43 किलोमीटर पर आर की स्पीड से जा सकता है, और स्पेसिफिकली जब इम्प्लीमेंट पीछे कोई लगा हो तो उसका स्पीड और भी नीचे गिर जाता है। सो कम्यूटिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो फास्टर कम्यूटिंग के लिए मैंने एक अपने पास पिकअप ट्रक खरीदा है, जो कि हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैवल करने के लिए मदद करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा फास्ट ट्रैवल करने में मदद। Let's see, लोगों में पूरा दिखा देता हूँ कैसा है चलता है अभी। तो यहाँ पे हम पहुंच चुके हैं डीलरशिप में, यहाँ पे हम अपना इम्प्लीमेंट को पार्क करेंगे और रिटर्न का प्रोसीजर करेंगे। यहाँ पे मैंने पार्क किया, देख अटैच इसका माउंट हटा दिया मैंने। इसको किया रिटर्न, तो इम्प्लीमेंट हो गया रिटर्न। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये भी मेरा ही ट्रैक्टर है, तो मैं एक ट्रैक्टर इधर ही खड़ा रखता हूँ। एमरजेंसी इमरजेंसी के लिए मेरे को कोई छोटा इम्प्लीमेंट लेके जाना पड़ेगा पड़ता है, तो मैं इसको लेके जाता हूँ, यही यही पे रहता है। इसका स्पीड बहुत ही कम है, लाइक 23 किलोमीटर पर आ रहा है। ये बड़े बड़े ट्रैक्टर भी अच्छे अच्छे मेरे को पड़ते हैं। तो इधर पार्क करूंगा डीलरशिप के पास, ये कर दिया, ज्यादा ही कुछ हो गया। तो यहाँ पे हो गई है मेरा ट्रैक्टर पार्क, देखता हूँ वीडर का कोई ऑप्शन है क्या साथ में। तो नोवा से फॉरेस्ट्री मशीन बेट टेक्नोलॉजी हार्वेस्टर कल्टीवेटर्स प्लॉ है प्लांट, ओके बेट मिल गया वीडर ये पे था कहीं पे, ओके वीडर। तो वीडर में यहाँ पे तीन मॉडल दिख रहे हैं मेरे को, मेरा क्रॉप भी है इधर कनोला। सो मैं बेसिक वाला ही खरीद लेता, मेरे पास तो वैसे भी ज़्यादा पैसा नहीं है। बेसिकली मैं लीज में लेता हूँ, लीज में इसका 918 यूरो है, इसका मूल्य है लीज पे 12 दे। देखो हमारा वीडर यहाँ पे खड़ा है, हम लोग अभी सीधा इसको माउंट करेंगे इस पे और सीधा अपने फार्म पे चलेंगे। मेरे को इसका जो 3 पॉइंट लिंकेज है उसको मेरे ट्रैक्टर का पीछे का माउंट अरेंज करना पड़ेगा, मैं ट्रैक्टर के 3 पॉइंट लिंकेज को इसका माउंट कनेक्ट नहीं होता क्या इससे। ओके अब सीधा निकलेंगे फार्म पे। तो हम लोग पहुंच चुके हैं फार्म पे गाइस, तो वहाँ पे कनोला का फार्म है, तो वहाँ पे जाके हम पहली वीडिंग की प्रोसेस शुरू करते हैं।
अभी ये मीटर पूरा फोल्ड है, जैसे मैं इसको ऑन करूँगा, अनफोल्ड करूँगा तो पूरा ओपन हो जाएगा, ये ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कवर करेगा। ओके दोस्तों, यहाँ पे अपना जो कनोला है वो हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो चुका है, तो हम लोग जाएंगे सीधा हार्वेस्टर के पास और करेंगे हार्वेस्टिंग। मिलेट्स टाइप के क्रॉप में मतलब ये चलेगा, उसमें कोई ज़्यादा इशू नहीं रहेगा, ये हॉलैंड का ही है। हम लोग चलते हैं फार्म पे। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, कनोला को हार्वेस्ट करेंगे और सीधा उसको लेके आएंगे, सेल करके आएंगे। तो ऑनलाइन करना पड़ेगा इसको, ऑनलाइन ये हो गया ऑनलाइन, और थोड़ा सा रिवर्स इसको चढ़ा, थोड़ा ट्रिकी है बिकॉज इसको इसको रियल व्हील टर्निंग है। तो मैं ऑन करूँगा, तो हार्वेस्टिंग शुरू हो चुकी है दोस्तों। मेरे को आगे जाके इसको थोड़ा सा लेफ्ट साइड का हेडर है उसको उसको अलाइन करना होगा मेरे प्लॉट के साइड पे। उसको पीछे भी देखना है, मेरे को लग रहा है मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा सा वहाँ पे रख दिया। तो मैं अभी क्या करूँगा, हेडर को लिफ्ट करूँगा वरना ये ग्रास को भी हार्वेस्ट कर लेगा। तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे मैंने हेडर को उठा लिया है। आगे की जो हेडर असेंबली उसका मेन काम होता है कि जो ये बड़े वाले ग्रास टाइप के क्रॉप है उसको वो अंदर डालते हैं कटर के, या और कटर फिर उसको कट करते हैं। सो मैंने हेडर असेंबली ऊपर करके अब मैं फिर से अलाइन करूँगा इसे। तो मेरे को अभी सामने का व्यू चाहिए ताकि मैं ठीक से अलाइन कर पाऊँ, और ये हो गया अलाइन। अब मैं करूँगा फिर हेडर को नीचे लोअर करूँगा, ये गया हेडर नीचे। ये न्यू हॉलैंड का जो हार्वेस्टर है ना, ये ऑल इन वन है, देख सकते हैं आपने ब्लैक कलर में आपको दिख रहा है। तो बेसिकली टू टाइप के हार्वेस्टर होते हैं, एक रेगुलर हार्वेस्टर, एक कम्बाइंड हार्वेस्टर। तो इसके इसके बारे में आपको कोई दूसरी वीडियो में बता दूंगा कि दोनों का क्या वर्क होता है। तो बेसिकली ये तो कम्बाइंड हार्वेस्ट। तो गाइस अभी बज गए रात के ऑलमोस्ट 8, सो मैं ये लास्ट का जो हार्वेस्टिंग है ये कम्प्लीट करके सीधा सोने के लिए जाऊँगा। तब मिलते हैं कल। तब मैंने इसके हेडर को ऊपर कर दिया। उसके पहले हम सो मैं डालूंगा कंबाइन हार्वेस्टर को अंदर रिवर्स पोजिशन।
और बंद कर सही से पार्क देख सकते हैं, मैंने इसको इधर पार्क किया है। मैं सीधा सोने के लिए जाऊंगा घर पे, और ये आ गया घर पे फ्लैश लाइट लगा तो स्लीप में लूंगा। गाइस अब सुबह हो चुकी है, सुबह के बजे से 6:30 और हम अपने घर से बाहर आ चुके हैं। मैं फ्लैश लाइट बंद करता हूँ और पहला हमारा आज का दिन का टास्क है इसको इसमें से जो ग्रेन्स है उसको हमारे ट्रॉली में शिफ्ट करना ताकि हम उसको सेल कर सकें। वहाँ पे हमारी ट्रॉली है, इसका पाइप का थोड़ा इश्यू है, इसका पाइप उस साइड पे है तो मेरे को ट्रॉली को उस साइड अलाइन करना पड़ेगा। तो इसमें अभी एक प्लॉ माउंटेड है, इसको डिस्क प्लॉ कहते हैं। तो ये वाला प्लॉ मैं डिसमाउंट करता हूँ और ये ट्रैक्टर सीधा ट्रॉली के पास लेके अलाइन करता हूँ। बेसिकली अब मेरे को हार्वेस्टर के पास उसको अलाइन किया, ये परफेक्ट। अब इसको ऑन करूंगा, पाइप आउट करूंगा इसको। तो ये फील करना चालू कर देना। So this is all for today's video. If you like this kind of gameplay video, let me know in comment section. If you like this video, don't forget to like and subscribe us. Until next time, we see you later.